सो गाइज तो हम लोग जल्दी चलते हैं गाइज, अब ट्रेन में और एक ट्रेन में चढ़े गाइज जल्दी जल्दी। रुद्र भाई बहुत तेजी से भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी। हमारे करीब आए और आप दिखाएं कि ट्रेन जो है जर्जर हो चुकी है और हम आपको इसी ट्रेन से लेके जाएंगे गाइस। सबसे पहले मैं नीचे उतरूंगा और फिर जो है इसको ट्रेन के बारे में बताना चाहेंगे तो बाद में बताएंगे। बताते हैं आप जो मेरे चेहरे में पसीना देख रहे हैं ना, किस लिए पसीना बताओ। अब रील्स में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इतिहास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो रिवाज बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा इतिहास बदलेगा। लोग इतिहास बदलने के लिए पसीना अपने चेहरे पे लाए हुए हैं। पानी नहीं है भाई, पानी पिला दो यार, गला सूख रहा है। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। हेलो गाइस, सो अभी हम लोग आ चुके हैं इंडियन रेल म्यूजियम जो कि चाणक्यपुरी में है और सामने जो है ये फिलीपींस की एम्बेसी है और ये जो सारा इलाका एम्बेसी का इलाका है। और अभी हम लोग आ चुके हैं इंडियन रेल म्यूजियम में, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि इंडियन रेल म्यूजियम जो है वो कहाँ पर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये भी दिखाएंगे इस म्यूजियम में जो आपने देखा होगा छैया छैया में शाहरुख खान जो हाथ फैला के डांस कर रहे थे, और दिल से मूवी में जो जितनी भी रेल का इस्तेमाल हुआ है 160 साल से लेकर अब तक जितनी भी ट्रेनें हैं वो सारी ट्रेनें यहाँ पर हैं। और सब ट्रेन हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, आपको रेल में भी घुमाएंगे। और अगर आपको टिकट की बात करें गाइस तो टिकट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये टिकट है और ये पर पर्सन 150 रुपये का टिकट है ये, यानी अगर आप रेल में यात्रा करेंगे यहाँ पे, अगर रेल पर यात्रा करेंगे 100 रुपये आपको रेल यात्रा का देना पड़ेगा और 50 रुपये एंट्री का देना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, हमारे साथ रुद्र भाई भी हैं और हम लोग अभी साथ में चलेंगे रेल म्यूजियम। तो चलिए गाइस अब एंटर करते हैं यहाँ पे, ये यहीं से जो आउटडोर का एग्जीबिशन है वहीं पर है। चलिए आपका ट्रेन का सैर करवाते हैं। आप देख सकते हैं एंट्रेंस के बाद जो है ये ट्रेन लगी हुई है, ये इंजन है, ट्रेन नहीं है इंजन है। और इंजन काफ़ी पुराना इंजन लग रहा है, ये तो आदिकाल का लग रहा है कि आदिकाल का इंजन है। और हम लोग जो आपको दिखाएंगे इस ट्रेन के बारे में सारा डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। वहाँ से एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले हम दिखाने का काम किए हैं लोको MTR 2 ट्रेन का जो इंजन जो कि कराची कुछ वहाँ भी लिखा होगा आपको बताई थी। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, वही ट्रेन है दोस्तों जयपुर स्टेट रेलवे स्टेशन का, यहीं पे शाहरुख खान ने दिल से मूवी आना चाहिए चाहिए उसमें जो इस तरीके से पोज दे रहे थे गाइस। चलो हमारे करीब आए और आप दिखाए कि ट्रेन जो है जर्जर हो चुकी है, इसको इस्तेमाल किया गया होगा गाइस। और आपको बताएं ये वही ट्रेन है जो सारी फिल्मों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं खत्म नहीं करेंगे, आपको और आगे लेके चलेंगे और ट्रेन आपको दिखाएंगे, जितनी भी ट्रेन है सब आपके सामने लाया जाएगा, आपको ट्रेन में घुमाएंगे मेरे साथ गाइस। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लिए तुरंत। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर मैसेज जमाओ, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइस तभी हम लोग जो है पहुंच चुके हैं और अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। थोड़ा सा अंदर आते हैं हम लोग थक चुके हैं गाइस, तो हम सोच रहे हैं आपको इसी ट्रेन से घुमाया जाए, इसी ट्रेन में ले कि आपको जाया जाए गाइस। तो पहले इस ट्रेन में हमको चढ़ना होगा गाइस, लेकिन ये जो आदिकाल का जो ट्रेन है इसमें कोई ड्राइवर नहीं है गाइस, तो सबसे पहले तो मुझे खुद से ही चला के ले जाना पड़ेगा गाइस। फिर मैं सोच रहा हूँ गाइस जब इसी को चला के ले जाना पड़ेगा तो मैं खुद क्यों ना चल जाऊँ चल के, लेकिन फिर भी गाइस कोशिश करते हैं गाइस इसको चलाने की और हम आपको इसी ट्रेन से लेके जाएंगे गाइस। उससे पहले मैं नीचे उतरूंगा और फिर जो है इसको और नीचे उतर जाऊंगा गाइस। और ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस ट्रेन में, लेकिन इस ट्रेन में चलने से पहले हम आपको इस ट्रेन के बारे में बताना चाहेंगे जो कि बाद में बताएंगे, अभी थक चुके हैं तो इस ट्रेन में हम लोग चलते हैं और इसी ट्रेन से आपको पूरा ब्लॉग का शेयर करवाते हैं गाइस।
जैसा आप बोलिए, घूमना तो सभी है। तो अभी हम लोग रेल से उतरने के बाद, जो रेल अभी हमने आपको दिखाया उसे उतरने के बाद, अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं इंडियन रेल म्यूजियम में। आप देख सकते हैं वो संग्रहालय है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, ट्रेन है, और यहाँ पे फोटो पॉइंट ही बना हुआ है गाइस, देख सकते हैं फोटो पॉइंट है यहाँ इंडियन रेलवे म्यूजियम का। सो गाइस, तो हम लोग जल्दी चलते हैं गाइस, अब ट्रेन में और एक ट्रेन में चढ़ेंगे गाइस, जल्दी जल्दी। रुद्र भाई बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, भाई भाई जल्दी जल्दी, भाई 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 हमारे पास भी ट्रेन आज। देखिए ट्रेन में भी हम लोग चढ़ेंगे, ट्रेन में आपको भी इसी ट्रेन में लेके जाएंगे हम। अब देखते हैं भाई, टिकट तो ले लिए लेकिन सीट भी ले आएगी नहीं, रिजर्व कराया था कि नहीं भाई टिकट? रिजर्व कराया था ना भाई, सीट तो दिख ही नहीं रही हम लोग की भाई। भैया सीट की तरह सारा सीट फुल हो गया है, कोई व्यवहार ही नहीं रह गया भाई। कैसी बात कर रहे हैं, कोई व्यवहार ही नहीं गया टिकट का। आप ट्रेन के ड्राइवर हैं, आप यहाँ थोड़ी बैठेंगे? अच्छा मैं ट्रेन में बैठूंगा, लेकिन कोई व्यवहार नहीं रह गया भाई। अब टिकट बुक कराए रुद्र भाई, बताइए रिजर्व टिकट में अब कोई व्यवहार नहीं रह गया भाई, ये लोग मन में नहीं कर रहा टिकट को, टिकट को मान ही नहीं रहे, कोई मान ही नहीं है टिकट, कोई वैल्यू नहीं है भाई टिकट का भाई। रखते हैं भाई, दिल से बुरा लग गया, दिल से बुरा लगता है भाई। ट्रेन का लोग टिकट दिए थे लेकिन टिकट देने के बाद भी कोई व्यवहार नहीं रह गया गाइस टिकट का, सब ये लोग पहले ही आकर के यहाँ बुक कर लिया गाइस, कोई व्यवहार नहीं रह गया रेडियो का। तुसी ना जाओ, ऐसे मत जाओ यार छोड़ करके, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। टिकट रिजर्व कराया था यार तुम्हारे लिए, 100 रुपए दिए थे ट्रेन का। हम लोग अब दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं रुद्र भाई के साथ में। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 10236 म्यूजियम सवारी गाड़ी सिर्फ 10 मिनट में वापस गाइस पे आई। अभी हम लोग टिकट लेने के बाद भी गाइस ट्रेन छूट गई, वेट करना पड़ रहा है हम लोग। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर से पूछे, अब बोल रहा है कि भाई अब 10 मिनट बाद ही आएगी। जो है हाई कमान में अभी बात कर के रुद्र भाई से बात करवाए, हाई कमान से लिमिट्स कमीशन में, तो अभी ट्रेन वाले को बोलने भाई, ओ देखो भाई आ रही है हमारी ट्रेन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, अब हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा रुद्र भाई, हमारी ट्रेन आ रही है, हम बोले थे ना आएगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, बोले थे ना आएगी, आएगी आ गई ना। देखिए जी, अभी हम लोग इसी ट्रेन में चढ़ेंगे गाइस, इसी ट्रेन में डिप्लोमा किया था लेकिन मुझे ट्रेन चलाने का मौका नहीं मिल रहा है, बाकी भैया म्यूजियम जंक्शन में 10 मिनट इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है गाइस, और हम लोग ट्रेन में बैठ गए गाइस। तो गाइस, तो अपना पहला ब्लॉग था, और अभी तक हम लोगों ने 6 मिनट तक एडिट कर लिया है, और आगे जो है लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ तक पेशेंस बना के रखें इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगला पार्ट जो है इसके बाद वो भी मैं डाल दूँगा थोड़ी देर में, कल डाल दूँगा, एक दिन बाद डाल दूँगा, जब भी होगा डाल दूँगा उसको, उसको आप देखिएगा। और पहला ब्लॉग है, और बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग, क्या रिव्यू ज़रूर देना है गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत से ब्लॉग बनता है, वो मैं समझ पा रहा हूँ, आप भी समझ पाओगे जब आप करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो बिल्कुल मत देखिएगा आप लोग, इतना बढ़िया ब्लॉग है भाई, इसको काट दो, काट दो।